गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोसलेट स्पेल। पीछे आपने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, मतलब बेसिकली आपने टाइम मेजरमेंट पीछे पढ़ा था, जहां आपने टाइम मेजरमेंट के लिए एक्सियल टाइम्स लेकर अब तक के टाइम के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपकी सैंड क्लॉक थी और वाटर क्लॉक थी, रेसिंग क्लॉक थी, मॉडर्न क्लॉक्स थी जिसमें वॉल क्लॉक और रेसिंग क्लॉक ये सब आ जाती थी, वॉचेस थी, हैंड वॉच, ये सब आपने पढ़ा था। साथ ही साथ आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था जिसमें आपने ऑसिलेशन पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक कवर होने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोशन एंड स्पीड। मोशन क्या होती है, जैसे कोई इंसान यहाँ, यहाँ से वो यहाँ तक चला गया, पोजीशन ए पे था, पोजीशन ए पे चला गया, मीन्स ऑफ दैट आप अपने घर से अपने कॉलेज आते हैं, ये जो घर छोड़ के कॉलेज पहुंच जाते हैं ये जो होता है ये मोशन कहलाता है। दो चीजें हैं, मोशन एंड स्पीड। मोशन क्या है, यहाँ से यहाँ आप ट्रांसफर हो गए, मतलब आपकी पोजीशन बदल गई, अभी आप यहाँ ए पे थे और कुछ टाइम बाद आप बी पे पहुंच गए, पोजीशन चेंज हो गई। और कितनी तेजी से या कितने धीमे से ये पोजीशन चेंज होती है वो कहलाता है स्पीड। जैसे बस में आप कॉलेज आते होंगे तो घर से कॉलेज तक आते हैं वो आपकी पोजीशन चेंज हुई, वो बनेगी मोशन। और घर से बस में आते हैं तो कहीं कहीं बस बहुत तेज चलती होगी, कहीं बस बहुत धीमे चलती होगी, तो ये जो तेज और धीमे चलती है ये आपका होता है स्पीड, ठीक है। तो मोशन क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन। अभी मैंने कहा ना पोजीशन में चेंज है, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर रहे हैं और वो चेंज क्या हो टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए 5:05 पर आप यहाँ थे, 5:10 पर आप यहाँ पहुँच गए इस पॉइंट पर, 5:15 पे आप यहाँ पहुँच गए और 5:20 पे आप पॉइंट बी पहुँच गए। जैसे घर से निकले 8:00, कॉलेज पहुँचे 9:00, तो टाइम के साथ आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई। पोजीशन जब टाइम के साथ चेंज होती है तो वो मोशन कहलाती है, और पोजीशन कितनी धीमी गति से या कितनी तेजी से चेंज होती है वो आपकी स्पीड कहलाती है। तो ये हुआ पोजीशन, चेंज ऑफ टाइम ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी में जब चेंज होता है, कितने धीमे होता है, कितने तेज होता है, फास्टर या लो, वो कहलाता है आपका मोशन। नेक्स्ट जो है आपका स्पीड। स्पीड हमने वही बताया कि बस चल रही है, टाइम के साथ साथ आप घर से निकले, कॉलेज तक पहुंच गए, वो पोजीशन में चेंज हुआ तो वो मोशन हो गई। और कितनी तेजी से आपने पोजीशन में चेंज किया, मतलब आपको इंदौर से रामनगर आना है या जहांगीरगंज से रामनगर आना है तो आप कितना तेज चला रहे हैं, 70 की स्पीड में चल रहे हैं, 72 की स्पीड में चल रहे हैं, मतलब कितनी तेज आपकी कार की, आपकी बस की, आपकी बाइक की स्पीड है कि आप पहुंच जा रहे हैं। तो ये जो तेज और कम बताता है वो स्पीड होता है, ठीक है। द क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब हाउ फास्ट अ बॉडी, हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग, कोई बॉडी कितना तेज और कितना धीरे मूव कर रही है यही जो बताता है वो स्पीड कहलाता है। हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, कितने धीमे या तेज एक बॉडी मूव कर रही है वो कहलाता है स्पीड, ठीक है। स्पीड को फाइंड आउट करने का, स्पीड को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, देखिए आप घर से यहाँ तक आते हैं तो उसकी कुछ डिस्टेंस होगी, तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम लगता है, बिना टाइम के 0 सेकंड में तो कोई पहुँचता नहीं होगा, 1 सेकंड ही लगे, लेकिन आने में कुछ टाइम लगता है।
समझेंगे डिस्टेंस और टाइम, इन्हीं दोनों को जब अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगी स्पीड। और वो क्या होती है? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को लिखते हैं एस इज इक्वल डी अपॉन टी। मीन्स ऑफ दैट, अगर दिया है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कुछ है और उन्हें उनको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके बाद उसकी स्पीड बताइए। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 10 मीटर दे दीजिए और कह दिया जाए इस डिस्टेंस को कवर करने में 5 मिनट का टाइम लगेगा, ये मीटर है ये मिनट है, ठीक है। अब यहाँ यही आप वैल्यू पुट कर दीजिए स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस आपकी कितनी है 10 मीटर है और जो टाइम लग रहा है वो 5 मिनट लग रहा है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या हमें 2, इसका मतलब यस और स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा गया? मीटर किसकी यूनिट थी? डिस्टेंस की, और टाइम की यूनिट थी मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट नहीं होगा, ज़्यादातर टाइम सेकेंड में ही यूज होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है। और अगर दिया जाएगा तो मीटर पर मिनट आप लेते हैं, तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है। ये तो स्पीड की कैलकुलेशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि 70 किलोमीटर से हम गाड़ी चला रहे थे और 1 घंटे में हम किसी जगह पहुँच गए, तो बताइए कि जहाँ से लेकर हम जहाँ तक पहुँचे वहाँ के डिस्टेंस कितने हैं। तो डिस्टेंस बताने के लिए आप क्या करेंगे, ये चीज़ चाहिए आपको, देखिए इसको यहीं रहने दीजिए डिस्टेंस में, यहाँ टाइम डिवाइड में है, भाग कर रहा है, उसको इधर ले आएंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स स्पीड इनटू टाइम, ये क्या बना रहे डिस्टेंस का फॉर्मूला बना दिया। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला था, इसी को हमने चेंज किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। अब अगर देख लिया जाए कि कोई गाड़ी इतनी स्पीड से 5 मिनट में इतनी दूर पहुँच जा रही है, जैसे अब क्या देखो, कोई गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे में अकबरपुर पहुँचती है, तो आपसे पूछा जाए कि दूरी बताइए, तो आप स्पीड लिखेंगे 50 और समय कितना लगा, आधा घंटा यानी 30 मिनट, तो दूरी ये हो जाएगी। देख लीजिएगा कोई मिनट में है सेकंड में है तो उस हिसाब से यूनिट लिखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि किसी जैसे 10 मीटर की दूरी तय करने में एक गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो उसमें समय कितना लगेगा, तो जो टाइम पूछेगा तो देखिए क्या करें, ये टाइम है इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये मिलेगा। अब यहाँ टाइम को यही रहने देते हैं, ठीक है, टाइम को इसको सेट करने देते हैं, यहाँ है डिस्टेंस और स्पीड इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर रहेगा तो डिवाइड कर देगा, तो ये 3 आपके फॉर्मूले हुए, पहला स्पीड कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा है डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो वो है स्पीड इनटू टाइम, और तीसरा है जो टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल बता देते हैं, आइए देखें न्यूमेरिकल कैसे इस पे बन सकते हैं। पहला तो आपसे इस तरह पूछ सकता है, जैसे कि कोई कार से अपने स्कूल जा रहा है और उसको स्कूल पहुंचने में 30 मिनट लग रहा है, जैसे हम कहते हैं बाइक किसी भी चीज से जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है साइकिल से और उसे टाइम कितना लग रहा है, एंड टेक 30 मिनट्स टू रीच, ठीक है, 30 मिनट का समय लेता है पहुंचने में। आगे हम कहते हैं he covered 20 meter distance, अगर वो 20 meter की distance cover कर रहा है then find its speed, उसकी क्या find करें, speed find करें, कोई नाम लिखे Ram goes to school by cycle and take 30 minutes to reach आगे बढ़ा लेना, ठीक है, ऐसी कोई example आप बना लेते हैं।
इफ ही कवर 20 मीटर डिस्टेंस फाइंड इट्स स्पीड। तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे न्यूमेरिकल में वो ये लिखेंगे कि आपको दिया क्या हुआ है। तो गिवन दैट तो क्या दिया गया है, 30 मिनट। मिनट में दिया गया है, इसका मतलब क्या दिया गया है, टाइम। टाइम इज इक्वल्स 30 मिनट। नेक्स्ट आपको दी गई है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी दी गई है, 20 मीटर। और आपसे पूछ रहा है स्पीड। आपने स्पीड का एक फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो के इक्वल। वैल्यू पुट कर दीजिए, डिस्टेंस अभी टाइम होती है, ये कटेगा 2/3 मिलेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें स्पीड एस इज इक्वल मिल जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, समथिंग ये वैल्यू आएगी। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम वो लगा रहा है। ये तो आपका आंसर हो जाएगा, स्पीड जो आएगी वो आएगी 0.66 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा न्यूमेरिकल एक तरह से और दे देता है, जैसे यहाँ टाइम और डिस्टेंस दिया था, अगले क्वेश्चन में आपको स्पीड और डिस्टेंस दे देते। जैसे कहे कि कोई बॉडी मूव कर रही है, 70 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 70 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बॉडी मूव कर रही है, और उसको जो मूव करने में टाइम लग रहा है वो लग रहा है 30 मिनट्स। फाइंड इट्स डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस उसने कवर की हमें ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अभी आपने पीछे पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम। स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो डिस्टेंस को देता है। तो स्पीड स्पीड यहाँ है 70 और टाइम है, सॉरी इसको आप सेकंड में वैल्यू कन्वर्ट करिए, क्योंकि यहाँ वैल्यू सेकंड में दी गई है ना, मीटर पर सेकंड, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो वो कैसे होगा, 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड। सो 30 मिनट्स इज इक्वल 60 × 30 इज इक्वल 1800 सेकंड। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1800 सेकंड से, इतना डिस्टेंस आएगी मीटर में, इतनी इसकी दूरी आएगी, मतलब इतनी दूरी उसने 30 मिनट में कवर की होगी। जब वो 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला था, बहुत तेज चल रहा था 70 की स्पीड में। ठीक है, ये तो इसके बेसिस पे इसी को एक तरह से और दे सकता है। कैसे, यहाँ आपने डिस्टेंस कैलकुलेट की, इसके पहले स्पीड कैलकुलेट की है, मान लीजिए आपसे टाइम पूछ लेता है। जैसे क्या रहता है, देखिए बुक में आपने एक एग्जाम्पल दिया होगा, दीपा रीचेस हर ऑफिस इन 1 hour 15 minutes फ्रॉम होम बाय ड्राइविंग हर कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h। देखिए टाइम दिया गया है, दीपा रीच हर ऑफिस 1 hour 15 minutes, 1 घंटा 15 मिनट में वो अपने ऑफिस पहुंचती है। और कैसे पहुंचती है, कार ड्राइविंग करके। और उसको जो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 60 km/h। ठीक, ये तो उसकी स्पीड हो गई। आगे कह रहा है, हाउ फार इज हर ऑफिस फ्रॉम होम, उसका जो घर है वो उसके ऑफिस से कितना दूर है, मीन्स हमें फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस। कैसे फाइंड आउट होगी, यहाँ तो 1 घंटा 15 मिनट दिया है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 hour इज इक्वल क्या होता है, 60 मिनट्स, यहाँ पुट कर देंगे 60 मिनट्स × 15 मिनट्स। चलो
इंटू थ्री होगा, 1 × 16 मिनट प्लस 15 मिनट, इसको ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 75 मिनट्स। ये तो 75 वैल्यू आई आपकी जो है टाइम की। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम। टाइम आया है हमारे पास 75 और स्पीड है 60, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/60 आवर, इसलिए 75 मिनट्स इज इक्वल, ये वैल्यू हो जाएगी 1/60 × 75। जब इसका 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 75/60 आवर। इतनी वैल्यू आपको मिली, यही वैल्यू उठा के आप नोट कर दीजिए 75 आवर बाई 60। इस 60 से ये 60 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास जो आंसर बचा वो 75, यानी डिस्टेंस उसकी कितनी रही होगी 75 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी बुक में, 3-4 एग्जांपल्स हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं लगेंगे तो आप फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे की चीज़ें बताएंगे।